बिहार में चाचा भतीजे यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने बीजेपी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये ब्रह्मास्त्र छुट्टियों का नया कैलेंडर, कहने को तो ये महज छुट्टियों का कैलेंडर है, लेकिन जानकार मानते हैं कि दरअसल ये मुसलमानों को अपने खेमे में लाने के लिए नीतीश कुमार सरकार के द्वारा चली गई एक गरेचाल है। पिछले लगभग 6 महीने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सोची समझी रणनीति के तहत ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इसी रणनीति के तहत उन्होंने जाति आधारित गणना करवाया। गणना के आंकड़ों से पता चला कि राज्य में मुसलमान लगभग 18% और यादव 14% है, यानी दोनों को मिला दें तो ये 32% हो जाता है। बस फिर क्या था, देरी किए बगैर नीतीश कुमार ने छुट्टियों के कैलेंडर वाला दाव चल दिया। जानकारों का मानना है कि दरअसल ये लालू यादव के माई समीकरण का ही नया संस्करण है, यानी माई पार्ट 2, माई यानी मुसलमान और यादव। इसी माई समीकरण के बल पर लालू और रावड़ी ने बिहार पर कई दशकों तक राज किया था। कहा जा रहा है कि इस बार भी इसके पीछे लालू यादव का ही दिमाग है। हाल के दिनों में इस बात की खूब चर्चा थी कि नीतीश कुमार अक्सर लालू यादव के पास चले जाते हैं और देर रात तक उनके पास बैठे रहते हैं। बिहार में माई के नए संस्करण को लॉन्च करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि नीतीश कुमार ने देखा कि कर्नाटक में कैसे कांग्रेस ने मुसलमानों की मदद से बीजेपी को भगाकर अपनी सरकार बना ली। तेलंगाना में भी मुसलमान वोटर्स की फैक्टर है। दरअसल नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को सत्ता दिलाने में मुसलमानों की भूमिका अहम होती है। यही वजह है कि उन्होंने बिहार में मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए छुट्टियों के कैलेंडर वाला दाव चला है। वैसे नीतीश कुमार के पास राज्य में नई रिजर्वेशन पॉलिसी वाला पिछड़ा अति पिछड़ा खुद का गढ़ा हुआ जातीय समीकरण यानी मंडल पार्ट 2 तो है ही। हालांकि छुट्टियों वाले कैलेंडर पर बढ़ते विरोध के कारण नीतीश सरकार फिलहाल बैकफुट पर है, लेकिन आने वाले दिनों में इस वोट बैंक को और पुख्ता करने के लिए राज्य सरकार कोई न कोई नया पैंतरा अवश्य आजमाएगी। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आज तो बस इतना ही। नमस्कार।